हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंकास किचन। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक चार बाउल मीन्स चार कटोरी बेसन लिया है ग्राम फ्लावर। उसके लिए मैंने दो बाउल पाउडर चीनी ली है और चार बाउल बेसन के लिए दो बाउल घी, बादाम और काजू अच्छा से बारीक करके छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट करके मैंने दिया है और दरदरे पीसी हुई इलायची। सबसे पहले ये पैन गरम हुआ है। अभी इसमें मैंने ये चार बाउल बेसन लिया है और इसके लिए चार बाउल बेसन के लिए लगभग मैं डेढ़ या दो बाउल घी यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले डेढ़ बाउल घी यूज़ करते हैं। घी कम लगा तो फिर से घी हम डाल सकते हैं। Okay, देखो मैंने डेढ़ बाउल यूज किया है। घी को थोड़ा हल्का सा गर्म होने देते हैं। घी गर्म हुआ है, अभी मैं इसमें डालती हूँ ये दरदरी पीसी हुई इलायची। अभी इसमें डालना है ये बेसन। बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के जाएंगे और बेसन को अच्छा सा ब्राउन होने तक उसे भूनना है और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है क्योंकि बेसन नीचे नहीं लगना चाहिए। अच्छा सा ब्राउन होने तक उसे भूनना है। इसको बिल्कुल हल्का सा थोड़े धीमी आंच पर ही भूनना है ताकि नीचे नहीं लगेगा। ये बेसन अच्छी तरह से भून गया है, अच्छा ब्राउन होने तक उसे भूनना है और कंटिन्यूसली उसको चलाते रहना है क्योंकि वो नीचे नहीं लगना चाहिए। जब बेसन अच्छा भूनता है तब उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। को बहुत ही अच्छा बेसन भून गया है। मैं अभी गैस ऑफ करती हूँ। तभी इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है क्योंकि जब पैन गर्म होता है तब तक बेसन भूनते जाता है। अभी इस टाइम ही मैं इसमें डालती हूँ एक कटा हुआ बादाम और काजू, अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। इसको गैस से नीचे उतारते हैं और इसको चलाते ही रहना है क्योंकि अभी भी ये कढ़ाई बहुत ही गर्म है। इसको ठंडा होने के लिए मैं दूसरे बर्तन में इसको निकालती हूँ। देखो इसको ठंडा होने देते हैं। बाद में इसमें पाउडर शुगर मिला के लड्डू बनाना है। देखो ये हल्का सा ठंडा हुआ है, ज़्यादा भी गर्म नहीं है और ज़्यादा भी ठंडा, पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए। अभी इसमें मैं ऐड करती हूँ ये पाउडर शुगर। पहले थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना है।
चार बाउल बेसन के लिए दो बाउल पाउडर शुगर ली है। मैंने हाथ से ही इसको अभी मसलती हूँ। आप थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी कम चीनी डालिए तो भी चलेगा। इसको मैं अभी इसमें निकालती हूँ ताकि जल्दी से वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देखो इस तरह से ये मिश्रण लड्डू का मिश्रण मैंने अच्छी तरह से मसल मसल के चीनी पाउडर चीनी इसको मिक्स किए हैं और काफ़ी ठंडा भी हुआ है। वे इसको लड्डू बनाते हैं। इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेना है और इसके छोटे छोटे इस तरह के लड्डू बनाना है। जैसे आपको छोटे चाहिए बड़े चाहिए वो सही से आप बना सकते हो। देखो कितने अच्छे बेसन के लड्डू बन गए हैं। इस बेसन के लड्डू में हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है तो खाते समय बेसन के लड्डू बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरह से आप भी कितने अच्छे बेसन के लड्डू बन के तैयार है, आप भी इस तरह से बेसन के लड्डू बनाइए, खाइए। आपके अनुभव शेयर कीजिए, मेरे चैनल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Have a nice day.